गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फरीदास किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपको बहुत ही क्विक और झटपट सांभर रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर हमें लेना है तुअर दाल, यहाँ पर मैंने तुअर दाल ली है, और यहाँ पर मैंने दो टमाटो लिए हैं, एक बिग साइज़ का ऑनियन कट करके लिया है, 5-6 हरी मिर्च ली है। अब हम जो अपनी तुअर दाल है उसको अच्छे से वॉश करके लेंगे ताकि इसमें जो भी कुछ हो वो चला जाए। यहाँ पर मैंने अपनी तुअर दाल अच्छे से धो ली है। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, उसमें हम अपनी दाल डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो, दो टमाटो लिए हैं मैंने, बड़े रेड रेड लेना आप टमाटो। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च लिए, 5-6 हरी मिर्च लिए मैंने, और यहाँ पर मैंने ऑनियन डाल लिया है। अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, आप चाहे तो इमली का पानी भी कर सकते हो या आप थोड़ी सी इमली इसमें भी डाल भी सकते हो। मैं इमली इसी में डालना पसंद करती हूँ। यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, जो घर का मसाला है मेरा, आप रेड चिली पाउडर ले सकते हो यहाँ से। यहाँ पर मैंने फिर से थोड़ा जो पानी है दाल पकने के लिए जो पानी लगने है वो मैंने डाल लिया है, और मैंने यहाँ पर 5-6 सीटियाँ ली थी। 5-6 सीटियाँ लेने के बाद मेरी दाल ऐसी गल चुकी थी, बट पूरी गली नहीं थी, क्योंकि जो दाल है वो हमारे खेत की है। तो फिर यहाँ पर मैंने ऐसे मैशर से आपको मैश कर लेना है। 5-6 सीटों में अच्छे से दाल गल जाती है गाइज, आप अगर नहीं गलती तो आप इस तरह से करना। अच्छे से मैंने इसको सब ये कर लिया है, घोट लिया है मैंने दाल पूरी। अब हम आपको जितनी पतली चाहिए आप उतना पतला सांभर बना सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया है, कढ़ाई ली है मैंने, उसमें मैं राई डाल लूँगी। जैसी अपनी राई थोड़ी स्प्रिंकल हो जाती है, तो यहाँ पर मैंने करी लीव्स ऐड कर लिए, अच्छे क्वान्टिटी में मैंने करी लीव्स ली है। कड़ी पत्ता अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा तो अच्छी लगती है। तो अच्छे से हम इसको चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने एवरेस्ट का सांभर मसाला जो होता है वो लिया है 1 पैकेट। अच्छा सा सब भुन जाने के बाद हम अपनी जो दाल है वो हम इसमें डाल लेंगे। मैंने सांभर थोड़ा थिक ही रखा था क्योंकि ज़्यादा पतला हमें पसंद नहीं है, आप चाहे तो पतला कर सकते हो। अच्छे से हमें इसे बॉईल आने तक पका लेना है। अगर मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो मैंने यहाँ फिर से थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हो। अच्छे से मैंने सब मिक्स कर लिया है इसमें, बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस बना था गाइस, ट्रस्ट मी, आप ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर मैंने ऊपर से थोड़ी कोथमीर ऐड कर ली है, कोरिएंडर डाल लिया है मैंने, आप इसको बहुत ही मज़े की बनी थी गाइस। आप इसको इडली से ही खाना बहुत ही बेटर लगता है मुझे। हम जब भी इडली बनाते तो हम सांभर रेसिपी ज़रूर बनाते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। बहुत ही टेस्टी बहुत ही मस्त बनी थी गाइस, आप ट्राई करना, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। झटपट और बहुत ही जल्दी बनने वाला सांभर है, किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप दाल और जो भी इंग्रेडिएंट्स उसे बना सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।